Assalamualaikum. मेरा नाम है जहाँ से भाषमी और ये है Hyundai Tucson 2022 मॉडल। ये Hyundai Tucson की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2020 में इंट्रोड्यूस कराया गया है। 2020 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है वर्ल्ड वाइड और 2020 से ऑनवर्ड्स इस गाड़ी की फोर्थ जनरेशन आ गई है जो कि पाकिस्तान में नहीं दी गई। तो बेसिकली Hyundai Tucson की ये पिछली जनरेशन पाकिस्तान में आ रही है जो कि वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है इस गाड़ी के बारे में। खैर, पाकिस्तान में ये गाड़ी 2020-21 में दी गई है और इसमें दो वेरियंट्स ऑफर किए गए हैं, GLS Sport और Ultimate। Ultimate इस गाड़ी का टॉप ऑफ रैंक वर्जन है जो कि ऑल व्हील ड्राइव होता है और GLS Sport इस गाड़ी का छोटा वर्जन है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है सिर्फ। यह गाड़ी स्पोर्टेज के बाद लॉन्च की गई है पाकिस्तान में और ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में दूसरा एडिशन था और इसकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट बनी है पाकिस्तान में स्पोर्टेज के बाद। खैर, इसमें से बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि उस टाइम पर पाकिस्तान में कोई कार ऑफर नहीं करती थी और अभी भी इस तरह के फीचर्स बहुत सारी कार्स में नहीं आते। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, डुअल सिम्टोमिक कंट्रोल आता है, इंजन इसका 2000 cc है। इंजन के बारे में इसका एक मजेदार फैक्ट यह है कि स्पोर्टेज, एलेंट्रा, टूसॉन इनमें इंजन सेम ही आता है 2.0 liter, जस्ट फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का फर्क होता है इनमें। खैर, इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी प्राइस को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती हैं। इस गाड़ी के जो बेसिक वेरिएंट की प्राइस है वो है 5799 और इसका जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है यानी कि ये अल्टीमेट, इसकी प्राइस है 6299। और इस गाड़ी के बारे में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि अगर आप ये गाड़ी आज बुक करेंगे यानी कि जुलाई में, तो ये गाड़ी आपको अगस्त में डिलीवर भी हो जाएगी जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी आपको एक महीने में ही डिलीवर कर दी जाती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंपनी डेट देती है, डिलीवर भी हो रही है ये गाड़ी। तो ये इस गाड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कंपैक्ट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये Hyundai Tucson 2022 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली किया स्पोर्टर से बहुत बेहतर है। ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे का टफ कंपटीशन है और बेसिकली इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है, Hyundai। Hyundai बड़ी कंपनी है और किया छोटी कंपनी है। तो खैर, अगर लुक्स के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये स्पोर्टेज से बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि स्पोर्टेज पहली कार थी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में तो उसने अपनी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना ली है। मार्केट के लिहाज से कंपैरेटिवली ये गाड़ी उससे थोड़ी नीचे आती है, लेकिन अगर लुक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से स्पोर्टेज से हर लिहाज से बेहतर है। प्लस प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी उससे थोड़ी सी महंगी है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से ये हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, ये काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन के अंदर है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट में इस गाड़ी के 5 पॉइंट आते हैं, 5 में प्रेशर लैम्प हैं, 3 लो के लिए हैं और 2 हाई के लिए। सारे इसमें नीचे इंडिकेटर दिया गया है और इसमें जो ये वाला एरिया है ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट है। आप इसके टायर को जिस तरफ टर्न करेंगे उस तरफ की लाइट ऑन होगी ताकि आपकी विजिबिलिटी कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। बाकी इसमें नीचे ये फॉग दी गई हैं और DRL दी गई हैं। इस गाड़ी में 2 DRL आती हैं, एक यहाँ पर और एक ऊपर। इसके फ्रंट पर यह Hyundai की ग्रिल दी गई है जो कि डायमंड शेप में है। नीचे इसके ब्लैक कलर का पार्ट दिया गया है और इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी है। बाकी इसमें कोई रडार वगैरह नहीं आता, ना ही लेंकी पेसेंस वगैरह आते हैं, वो चीज़ें MG वगैरह में आती हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनके बगैर आपको गुजारा ना हो। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसमें जैसे लाइट सी कैरेक्टर लाइन दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से, रियर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं और इसके डोर हैंडल्स में भी क्रोम आता है। इसके ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड्स के डोर सॉफ्ट अनलॉक वाले फीचर के साथ आते हैं, यानी कि आपके पास की हो तो आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और इसमें विंडोज़ के आसपास ये क्रोम भी दिया गया है। और इसके अलावा इसमें क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है तो हर कॉम्पैक्ट SUV की तरह इस गाड़ी में भी एप्रंस दिए गए हैं जो कि टायर्स के आसपास कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इसके काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं और इसके अलावा इनमें हीटेड वाला फीचर भी आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये Tucson का रेयर लुक है जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से स्पोर्टेज बैग से ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर बात की जाए इसकी टेल लाइट्स की तो टेल लाइट इस गाड़ी की LED के साथ आती हैं। इसमें ये लावा LED लैंप दिया गया है, बीच में ब्रेक के लिए LED दी गई हैं, इंडिकेटर्स का हैलोजन में आता है। बाकी है इस ट्रैक की बैजिंग दी गई है इसमें क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। उसके साथ नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है और इसका बम्पर सिंपल सा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस गाड़ी में जो एक चीज़ अजीब है वो ये है कि इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, ना फ्रंट पे ना बैक पर। यह इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है बट इसमें बम्पर जो है ये बिल्कुल प्लेन है। स्पोर्टेज में पार्किंग सेंसर्स जो इसका छोटा वेरियंट है उसमें भी आते हैं और बड़े में भी। छोटे वेरियंट में पार्किंग सेंसर सिर्फ बैक पर आते हैं और ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट में फ्रंट पर भी आते हैं। इस गाड़ी में ना फ्रंट ना बैक कोई नहीं दिया गया और ना ही इसमें रडार आता है। बाकी बैक पर यह Hyundai की बैजिंग दी गई है, रेड विंडशील्ड वगैरह इसके ये टेंटेड नहीं है, प्राइवेसी वाले नहीं है, ये बेसिक सही हैं। रेड विंडशील्ड वाइपर दिया गया है इसमें, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर, ऊपर एक शार्पनर एंटीना दिया गया है और इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर एक लैच दिया गया है और ट्रंक इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है।
क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ रेंज वर्जन है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी इसकी काफ़ी स्पेशियस है। इसकी रियर सीट्स भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी ट्रंक के अंदर इसके एक स्प्लिटर भी आता है, जिसको आप खोल बंद कर सकते हैं और आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं। इसके बूट सेपरेटर को उतार के आप यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का स्पेयर व्हील जो कि फुल साइज़ है, इसके फ्रंट और ऑल व्हील दोनों ही वेरियंट्स के अंदर ये फुल साइज़ आता है और अलॉय रिम आता है। इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो है काफ़ी स्पेशियस है। टेलगेट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक दिया गया है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर। इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट करने की गाइड एस आई कार्ड में दी हुई है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये Hyundai Tucson 2022 मॉडल का इंटीरियर है, और क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ रेंज वर्जन है तो इसमें कंपैरेटिवली छोटे वेरियंट से कुछ फीचर ज़्यादा आते हैं। इनके इंटीरियर में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि एक तो इसकी सीट्स लेदर की फिनिश में है, जबकि इसका जो फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। बाकी छोटे मोटे फ़र्क हैं वो मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू के अंदर। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो मेरे ख्याल से ये Kia Sportage से बहुत बेहतर है डिज़ाइन के लिहाज से। इस पर भी मैं अभी आगे आता हूँ। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-spoke है। लेफ्ट स्पोक पे इसके डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक पे इसके क्रूज के कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्रूज इस गाड़ी में बेसिक ही है स्पोर्टेज, और इस गाड़ी में बेसिक आता है MG वगैरह से ऑनवर्ड्स ये अडॉप्टिव आने शुरू हो जाते हैं। ये इसका बेसिक ही है, और यहाँ से आप इस गाड़ी की एमोलेड डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर, और इसका स्टीयरिंग भी लेदर की फिनिश में है, और इसके अंदर ये स्टिचिंग्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की, तो मीटर भी इसका हर Hyundai की तरह बेसिक सही है। इसमें कोई खास चीज़ें नहीं दी गई, इसमें ये 2 डायल दिए गए हैं बस, स्पीड मीटर का और RPM का, और सेंटर में इसके ये एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, लेकिन ये बेसिक सही है। इसमें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा की स्ट्रेट से होती हैं इधर, यहाँ से आप इसकी ये लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, डोर लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं, पेडल लैंप्स इसके कन्वीनियंस फीचर्स के यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन आपको एवरेज किलोमीटर पर लीटर ट्रिप्स इस तरह की डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है। अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी ही है, और अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड की, तो इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये सॉफ्टेस्ट पैडिंग की फिनिश में है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर है। यहाँ पे इसके ये लेदर दिया गया है डैशबोर्ड में एयरमेट्स के ऊपर, लेकिन इसके नीचे जो एरिया है ये वाइट वाला, ये सारा चीप प्लास्टिक है। इसी तरह डोर्स में भी इसका ये काफ़ी सारा एरिया चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे बेहतर हो सकता था। यहाँ पे लेदर है, लेकिन ये चीप प्लास्टिक है। ओशान वगैरह इसी प्राइस पॉइंट पे कंपैरेटिवली से बहुत बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि 10.1 इंचेस का है, और ये काफ़ी मैसिव है। Tucson में ये पहली ऐसी कार थी जिसमें ये फ्लोटिंग शेप में आना शुरू हुआ था, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। ये डॉट पैनल है, इसमें आप एप्स वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें मैप्स भी आते हैं, लेकिन इसका एक मेन इशू ये है कि इसमें डिले बहुत है। अगर मैं इसके मोड को चेंज करूं, तो ये थोड़ी देर से चेंज होता है। अब जिस तरह मैंने इसको ऑक्स पे किया है, तो मैं बटन दबा चुका हूं, अब जाके ऑक्स पे आया है, तो इसमें थोड़ा लैग वाला इशू है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था, पहले इसमें डिफरेंट आते थे, अब रिसेंटली इसमें एंड्रॉइड पैनल दे दिए गए हैं Elantra में भी और Tucson में भी। बाकी नीचे ये लेदर दिया गया है, एयरमेट्स दिए गए हैं, और उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर के लिए इस गाड़ी में 2 अलग जोन दी गई हैं। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ड्राइवर अपनी मर्जी के लिहाज से और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकता है। अगर मैं इसको सिंक पे कर देता हूँ, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। बाकी यहाँ पे इसके बेसिक बटन्स दिए गए हैं जैसे हर कार में आते हैं, बाकी विंडशील्ड डिफॉगर वगैरह, उससे ऊपर इसके हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि हेडलाइट के साथ ब्लिंक होता है। पुश स्टार्ट इस गाड़ी में स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे दिया गया है, जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी वियर्ड है। जो लोग नए नए राइट से लेफ्ट पे आते हैं, वो कई दफ़ा पुश स्टार्ट की जगह क्लाइमेट कंट्रोल दबा रहे होते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की जगह पुश स्टार्ट दबा देते हैं। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। बाकी ये पुश स्टार्ट आपको शो भी करवा देंगे गाड़ी किस मोड में है, ऑफ, ACC और फिर ऑन। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इसका ये वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन रखेंगे, तो वो भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। उसके साथ यहाँ पे एक सेगुलेटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स आउटपुट दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, जहाँ से आप कोई फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस इसमें ये वायरलेस चार्जर भी आता है, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है, ये बेसिक ही है। इसी पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है, गियर लेवल भी इस गाड़ी का नॉर्मल सही है। इसमें ट्रांसमिशन 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और D में करके आप इस गाड़ी को इधर करके मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। इसको आप गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं ऐसे। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इसको पुल करके आप इंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसंगेज। बाकी यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, ड्राइविंग मोड इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। और उससे पीछे इस गाड़ी का डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, यह भी एक अच्छा फीचर है। अगर आप कहीं उतराई से उतर रहे हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी, आपको इस पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। प्लस इसमें ऑटो होल्ड भी दिया गया है,
सात दो कप होल्डर्स हैं, एक में एस्ट्रे आती है और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है। इस गाड़ी के दोनों वर्जन के अंदर सेंटर कंसोल लेदर में ही आता है, लेकिन जो इसका छोटा वर्जन है उसमें सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। ये इसकी सेंटर कंसोल की कैपेसिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, इसमें एक ड्रॉर भी आती है जिसको आप निकाल सकते हैं बाहर। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स अल्टीमेट वाले पैकेज के अंदर लेदर में आती हैं, जबकि जो इस गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेकिन इसके डोर्स में लेदर आता होता है और सेंटर कंसोल में भी। जस्ट सीट्स का फ़र्क है, इसमें सीट्स लेदर की फिनिश में है। बाकी अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल भी इसके हुंडई या किया की तरह के ही हैं, मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इस प्राइस पॉइंट पर ये थोड़े बेहतर हो सकते थे। बाकी इसमें 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइविंग डायर सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइव की विंडो ही सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस, और बाकी विंडोज़ नॉर्मल हैं। जबकि X70 MGHS वगैरह में ये ऑल ऑटो आती हैं। उससे आगे लॉक अनलॉक दिए गए हैं, विंडोज़ लॉकर अनलॉकर और इस गाड़ी के साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस, और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इससे आगे यहाँ पे इसकी मीटर इल्यूमिनेशन के कंट्रोल दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और ट्रंक रिलीज दिया गया है। स्टीयरिंग के पीछे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करेंगी, और इसकी ये फॉग का कंट्रोल दिया गया है। और लेट्स फोकस कमेंट वॉशर दिया गया है जो कि अगेन बेसिक सा है, ये ऑटो के फीचर के साथ नहीं आता। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आता है विद अ लाइट जो कि मैनुअल है। आप इसको हाथ से ऑन करेंगे और ये एलईडी वाली नहीं है, ये येलो ही है। ये कि एलईडी में होती है मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और ये वाला इसका सन शेड जो है ये एक्सटेंडेबल है, आप इसको इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से भी धूप ना आए। और इसके अलावा सेंटर में इसके ये कैबिलेट्स दी गई हैं जो कि एलईडी वाली हैं। सनग्लास होल्डर दिया गया है यहाँ पर, और उसके सेंटर में एक काफ़ी बड़ा बटन दिया गया है जो कि इसकी पैनोरामिक रूफ का है। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है जिसको आप यहाँ से ओपनिंग क्लोज कर सकते हैं, और इसकी ओपनिंग भी अच्छी है। इसकी पैनोरामिक रूफ काफ़ी बड़ी है और ये मोस्टली चाइनीज़ कार से ज़्यादा बड़ी है। ओशान की या इवन चेरी टीगो प्रो वगैरह की रूफ़ भी इतनी ओपन नहीं होती, इसमें रूफ़ काफ़ी पीछे जाती है। और इसका जो रियरव्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग वाला है, और इसमें कंपास भी आती है। ये फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे शो करवा रही है, ये चीज़ आपको यूजुअली कार्स में देखने को नहीं मिलती बट इसमें दी गई है। और इसमें जो ये ऊपर विंडस्क्रीन का ऊपर वाला एरिया है ये टेंटेड है जो कि एज़ सनशेड का काम करता है। और इस कार में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें कूल बॉक्स भी आता है। इसकी जो ये वाली ड्रॉर है इसमें एयर वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन क्लोज करके इसके कूल बॉक्स को ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। ये कूल बॉक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर आपकी ड्रिंक्स ठंडी हैं तो इनको ठंडा ही रखेगा, या अगर गर्म है तो फिर आप इसमें एक या डेढ़ घंटे के लिए रख दें तो वो ठंडी हो जाएंगी अच्छी खासी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, ये एसी की हवा ही लेता है। टूसॉन में ऑल व्हील और फ्रंट व्हील दोनों ही कार्स में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है, जबकि स्पोर्टेज में सिर्फ ऑल व्हील में इलेक्ट्रिक वाला फीचर आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है, और हेडरूम भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो इसमें हेडरूम का इशू किसी को भी नहीं होने वाला। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है तो सेंटर वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे हेडरूम और भी ज़्यादा स्पेशियस है। खैर बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी अच्छी है। 4 लोग भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। फ्लोर बेड भी इस गाड़ी में ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है, इसमें थोड़ा सा हम्प दिया गया है जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए, और उसके अलावा 2 एयरबैग्स भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, और एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है यहाँ पे। प्लस इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ आती है तो एक तो इसके रेयर पैसेंजर्स का व्यू बहुत अच्छा है, और उसके अलावा इसमें यहाँ पे कोई सेंटर पर केबल लाइट नहीं आती जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे ये रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। ये भी एलईडी में है और ये चलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती हैं इसको। बाकी सेंटर में यहाँ पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये लेदर की फिनिश में है। बाकी इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई एयरबैग्स वगैरह नहीं आते। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। अगर बैक पे भी होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस प्राइस रेंज में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं जैसे कि चंगन, ओशान वगैरह, वो गाड़ियाँ इतनी प्राइस रेंज में बहुत सारे फीचर ऑफर करती हैं जैसे कि 6 एयरबैग्स, और उसके अलावा उनकी सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है। लेकिन क्योंकि वो गाड़ियाँ चाइनीज़ हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप कोरियन लेना पसंद करेंगे या चाइनीज़। बाकी बैग पे यहाँ पे 4 सीट एंकर आते हैं, डोर में स्पीकर आते हैं, डोर इस गाड़ी के अच्छे हैं, प्रीमियम हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके रियर बेंचेस को आप यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और अब आप इसकी ट्रंक को केबिन के अंदर सही एक्सेस कर सकते हैं। और ये सीट्स काइंड ऑफ सिंकिंग ही हैं, यानी कि इसकी ट्रंक का और सीट्स का लेवल सेम है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। और इसकी सीट्स के पीछे एक हैंगर भी आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो स्पोर्टेज में और टूसॉन में सेम ही इंजन आता है 2.0 लीटर। ये इंजन 1999 सीसी है और टूसॉन के दोनों ही वर्जन के अंदर सेम इंजन आता है, लेकिन इसमें ऑल व्हील और फ्रंट व्हील का फ़र्क आता है।
यह इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6-speed ऑटोमेटिक आती है। अगर बात की जाए इंजन की तो ये इंजन 155 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 196 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। टूसॉन के फ्रंट और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही वर्जन के अंदर इंजन सेम आता है, लेकिन इनकी फ्यूल एफिशिएंसी का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फर्क है। यह गाड़ी आपको 8 से 10 की एवरेज देगी मैक्सिमम, जो कि बस गुजारे लायक है। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ फ्रंट व्हील बजाते हैं तो वो गाड़ी आपको 12-13 तक की एवरेज भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों में ही ऐसा है, फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ी कंपैरेटिवली ऑल व्हील गाड़ी से बेहतर एवरेज देती है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 6-speed ऑटोमेटिक आती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। MGHS, Prodon X70 उन सब गाड़ियों में हाइड्रोलिक्स आते हैं, इसमें स्टैंड लगाना पड़ता है, जो कि अगर हाइड्रोलिक होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और ये इसका क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है तो इसके अंदर ये ड्राइव शाफ्ट दी गई है साइलेंसर के साथ, इसके फ्रंट व्हील में ये चीज़ नहीं आती। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे हुंडई का लोगो दिया गया है इस पर और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ये की वैसी है जैसे कि एलेंट्रा में आती है और टूसॉन में भी यही की दी गई है। इसकी फील अच्छी है, ये स्मार्ट एंट्री वाली की है, यानी कि आपके पास अगर ये की हो आप इसको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड से गाड़ी को यहीं से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये गाड़ी लॉक हो गई है, इसको मैं यहाँ से अनलॉक भी कर सकता हूँ और इसके अंदर ये वेलकम लाइट्स दी गई हैं डोर हैंडल में और साइड मिरर के नीचे इसके ऊपर लैंप्स दिए गए हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टूसॉन में जो टायर साइज आता है वो है 225, 55 और 18। इसमें 18 inches का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि ग्रे और एल्युमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है और टायर इस गाड़ी में क्रूजन आता है, कम हो है ये बेसिकली, और ये आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इस गाड़ी में रिम 18 inches का आता है और इसमें जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, प्लस इसमें ABS भी आती है, स्टीयरिंग इसका EPS है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगी इस गाड़ी की। ये था आज का रिव्यू Hyundai Tucson 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।